सो वेलकम बैक गाइज टू माई न्यू वीडियो। तो गाइज मेरे पास यहाँ पर जो डिवाइस है वो है Realme 11X 5G और Realme 11X 5G में Realme UI 5.0 Android 14 का जो अपडेट है वो आ चुका है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने भी इस अपडेट को इंस्टॉल कर लिया है और यहाँ पर आप वर्जन भी इसका चेकआउट कर सकते हैं। Realme UI 5.0 Android 14 का ये वर्जन है। अब दोस्तों इस अपडेट के आने के बाद यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो है वो फेस करने के लिए मिल रही है यूज़र्स को कि यहाँ पर जो YouTube बैकग्राउंड स्ट्रीमिंग का ऑप्शन था स्मार्ट साइड बार में वो यहाँ पर हटा दिया गया है इस अपडेट के बाद। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अगर आप YouTube पे कोई म्यूज़िक प्ले करते हैं तब ये ऑप्शन इनेबल होता था, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर चेक करा देता हूँ। अभी मैं YouTube पर एक म्यूज़िक को प्ले करता हूँ और यहाँ पर साइड बार को मैंने ओपन किया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन जो है वो देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अगर आप इसकी सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पर स्पेशल फीचर्स में जाते हैं जिसमें कि यहाँ पर स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आपको YouTube बैकग्राउंड स्ट्रीमिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिलता था, तो वो भी आप देख सकते हैं कि अब यहाँ से हटा दिया गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इस सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। 100% सॉल्यूशन है दोस्तों, जो कि बिल्कुल सेफ है और आपके फ़ोन में आप इसको बहुत ही आसानी के साथ यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिएगा इस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और मैं आपको यहाँ पर चेक करा चुका हूँ कि ऑप्शन जो है वो हटा दिया गया है और Realme ने यहाँ पर ये अनाउंस भी कर दिया है कि ये जो Realme UI 5.0 है उसमें आपको बैकग्राउंड स्ट्रीमिंग का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो दोस्तों कई लोग यहाँ पर कुछ फालतू के APK बता रहे हैं जिनको कि डाउनलोड करके आप उसको प्ले कर सकते हैं, लेकिन किसी भी अननोन सोर्स से कोई भी फालतू का APK आप डाउनलोड मत कीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर जो तरीका बता रहा हूँ वो बिल्कुल सेफ तरीका है, जिसके थ्रू आप बैकग्राउंड में म्यूज़िक प्ले भी कर पाएंगे और आपके फ़ोन में कोई भी यहाँ पर नुकसान नहीं होगा। कोई भी फालतू का APK आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। तो अब जो ट्रिक है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो इसके लिए सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर से मोजिला फायरफॉक्स जो ब्राउज़र होता है उसको इंस्टॉल करना है। तो ये ब्राउज़र जो है वो कम्प्लीटली सेफ है, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, कोई भी अननोन सोर्सेज से यहाँ पर उसको नहीं लिया गया है। तो उसको आपको ओपन करना है और सिंपली आपको यहाँ पर सर्च बार में YouTube का जो भी ऐप है YouTube.com उसको टाइप करके ओपन कर लेना है। जो भी म्यूज़िक को आप प्ले करना चाहते हैं सिंपली उसको आपको यहाँ पर ढूंढना है, प्ले कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर जो ऊपर 3 डॉट्स दिए गए हैं इन 3 डॉट्स पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर लेना है। जैसे ही आप डेस्कटॉप साइट को इनेबल करेंगे आपका वीडियो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा और आप सिंपली उसको प्ले कर लीजिए। अब जब आप इस वीडियो को प्ले कर लेंगे उसके बाद इसको बैकग्राउंड में आपको चलाने के लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आप इसको यहाँ से होम स्क्रीन से मिनिमाइज़ कर दीजिए। अब ये जो आपका ब्राउज़र है वो मिनिमाइज़ हो चुका है, लेकिन आप सुन पा रहे होंगे कि जो साउंड है वो यहाँ पर प्ले हो रहा है। अब आप चाहें तो इसके साथ अपने फ़ोन में कोई भी काम कर सकते हैं और आपका जो फ़ोन है वो बैकग्राउंड में म्यूज़िक प्ले करता रहेगा। आप सुन सकते हैं अभी भी म्यूज़िक आपको आ रहा होगा। तो आप म्यूज़िक यहाँ पर सुन पा रहे हैं और आप यहाँ से देखेंगे तो नोटिफिकेशन पैनल में भी यहाँ पर म्यूज़िक प्ले हो रहा है। यहीं से आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, आप पॉज कर सकते हैं, इसको प्ले कर सकते हैं। तो ये भी जो यहाँ पर ऑप्शन है आपको देखने के लिए मिल रहा है, आप यहाँ से ईजिली इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं और ये तरीका बिल्कुल सेफ है, 100% सेफ है। इसमें आपके फ़ोन को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। बस आपको यहाँ पर एक पॉइंट को ध्यान में रखना है कि जब भी आप इसको प्ले करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर जो रीसेंट टास्क है इनमें से यहाँ पर फायरफॉक्स को जो है रिमूव नहीं करना है, क्योंकि जिस एप्लीकेशन में म्यूज़िक प्ले हो रहा है अगर आप उसी को हटा देंगे तो फिर ऑब्वियसली आपका म्यूज़िक जो है वो बंद हो ही जाएगा। तो बस ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल स्टेप में यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो आपके फ़ोन में इनेबल हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप ये आइडिया जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो आज के दोस्तों वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।